नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस भारत रे ब्रिटेन स्ट्रेन चिन्हट 6 जन ब्रिटेन फेरतांक ठारे चिन्हट हला वायरस पूर्व वायरस ठारु नुआ स्ट्रेन रे 70% संक्रमण क्षमता अधिक बेंगलुरु हैदराबाद पुणे रु चिन्हट होइछंती नुआ पॉजिटिव एमिति चली थाना रे डील टंका देले एफआईआर रु कटुछि ना रिपोर्ट कोहळ पई होछि मूलचाल सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल बंधुक मुनरे दुई सुपरभाइजर को अपहरण पाल्लहड़े दुई सुपरभाइजर को अपहरण कले चार जन दुर्बृत्त अभियोग परे पुलिस तदंत आरंभ खोर्धा जंकियारु 350 ग्राम ब्राउन सुगार जबत कला क्राइमब्रांच एसटीएफ जलेश्वर आनी जंकियारे डील बेले डिलर गिरफ जबत ब्राउन सुगार आनुमानिक मूल्य 25 लाख टंका गंजाम चिकिटी महाविद्यालय डेमोनस्ट्रेटर घरे विजिलेंस रेड कैलाश महांती भुवनेश्वर ब्रह्मपुर चिकिटी समेत 6 स्थान में चली चढ़ाऊ बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विजिलेंस पक्ष रेड खोर्धा वनखंड टांगी रेंजर हाथी आतंक दुई मास उद्धव उत्पात मचाई हाथी पोल निराकारपुर में व्यापक धान फसल नष्ट करुवा अभियोग हाथी घोड़ाइबार वन विभाग विफल आजिठ खोलिला जाजपुर अधिष्ठात्री देवी मां बिरजा मंदिर भक्तों पर स्वतंत्र व्यवस्था सका 6 संध्या 5 जाए दर्शन को अनुमति नुआ वर्ष से सर्वसाधारण को दर्शन मना केवल पिंडदान को अनुमति शेष में नुआ वर्ष से थर शीत 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पापाग विभाग 31 खस रात्रि तापमात्रा भुवनेश्वर 10 डिग्री तौक पारद खसवा नहीं पापाग केन्द्र सूचना एथर संपूर्ण खबर भारत में ब्रिटेन स्ट्रेन चिन्हट 6 जन ब्रिटेन फेरता पॉजिटिव चिन्हट होती पॉजिटिव चिन्हट व्यक्ति को आइसोलेशन रे रखा जाई कहुची पूर्व वायरस ठारु यार 70% अधिक संक्रमण क्षमता रही बेंगलोर हैदराबाद पुणे में होता सांपल परीक्षार यह जमापड़ी कोविड 19 रु नुआ स्ट्रेन को नहीं केन्द्र सरकार पक्षर विशेष पदक्षेप चिन्हट 6 जन व्यक्ति को सिंगल रूम आइसोलेशन रखाई बेले संस्पर्शे आक्ति क्वारंटीन रखाई आम राज्य में 62 जन ब्रिटेन फेरता मिलूनी पत्ता भूल ठिकना और फोन नंबर देवनी कंटाक्ट ट्रेसिंग नवंबर 30 रु डिसेंबर 21 मध्य 181 जन प्रवासी ब्रिटेन रु ओडिशा फेरिंट तेज ए 119 जन पत्ता मिलता बेले 62 जन को प्रशासन चिन्हट कर पारना एमिति हेउछि थाना रे डील टंका देले एफआईआर रु ना काटि देबाकु कहउछन देउछन्ति प्रतिश्रुति केवल सेती कि नुह रिपोर्ट इच्छा अनुसार लेखिबाकु केते टंका देबा दरकार ताहाकु नै चालिछि मूलचाल 25,000 टंका पई दाबी करुछन्ति थाना बाबू पेमेंट भी नेउछन्ति जहां वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेबार लागिछि बंधुक मुनरे दुई सुपरभाइजर को अपहरण अनुगोल पाल्लहड़ा ब्लॉक अंतर्गत कंपर केला अंचल एक ठिका संस्थार दुईज सुपरभाइजर को बंधुक मुनरे दुर्बृत्त अपहरण कर सूचना रही राति प्राय गोटाए बेले कंपर नला गाँ निकटे मांकड़ा नदी में निर्माण चलुवा ब्रिज रे काम कर एक ठिका संस्था स्वाई एंड कोर दुई सुपरभाइजर सनातन बेहरा ओरफ नरोत्तम विश्वाल को 4 जन दुर्बृत्त अपहरण कर जमापड़ी दुर्बृत्त मैंने राति अधिया क्यांप्रे पशि 40 लिटर डीजेल नेबा सह दुई जन को अपहरण कर ठिका संस्था मालिक पाल्लहड़ा थाना लिखित अभियोग कर घटनास्थल में पुलिस पहुंच तदंत आरंभ कर बाहर को बाहर के सर बाहर आम अनु आम छात पड़वर थी मुझे कहल आम बाबू बाबू दाइल नहीं मैं बाबू आ देख लो अनु जेड़ू से मत पिस्तल देखने कह बाहर को चल हिंदी में कहले कह बाहर को चल बाहर को आइलु बाहर को आला मुझे एक कल मो पछा पछा भी गले एक जो करी पिस्तल धरिकीपर एक सरपर एडू कहते कौन कहु मुझे मिक्सचर मेसीन चलाऊँ कह जा चुपचाप शुभ
स्त्री को मारी पोती देला स्वामी एभली अभावनीय घटना घटी सुंदरगढ़ तलसरा थाना अंतर्गत सबडेगा अंचल खयरु नायकंक घर बाड़ीपट माटी तलु महिलांक गलित मृतदेह उद्धार होइछे। मृतक खयरुर पत्नी शकुंतला बोली जनापड़ी। दुर्गंध बाहर स्थानीय लोके पुलिस को खबर देते घटनास्थल में पुलिस पहुंची मृतदेह जबत करने स्वामी को गिरफ्त कर हत्याकांड में आउ जड़े महिला संप्रक्ति जमापड़ी। पुलिस घटनार छानबीन जारी रखी। श्रीजीवंक दर्शन करुछंती पुरीवासी। वार्डवारी चली दर्शन व्यवस्था। 31 तारीख संध्या पर्यंत वार्डवारी पुरीवासी कोरोना कटकणा भितर श्रीमंदिर महाप्रभु दर्शन करेंगे। तीनोटी दफार प्रत्येक वार्डवासी को 4 घंटा दर्शन करार सुजोग मिलुछि। आज पुरी सहर 14 32 22 26 और 1 नंबर वार्डवासी दर्शन करेंगे। सका 8 12 पर्यंत 14 नंबर और 32 नंबर वार्डवासी 12 30 रु 4 30 पर्यंत 22 नंबर और 26 नंबर वार्डवासी संध्या 5 महाप्रभु पहुड़ होगा पर्यंत केवल 1 नंबर वार्डवासी दर्शन करेंगे। तेज संपर्कित अधिक तथ्य आम सहित सीधासख जोड़ी आम पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी। आलोक वर्तमान क्यों भली भाव में जो दर्शन करीवासी महाप्रभु को तार व्यवस्था किभ रही। निश्चित चिन्मय आप जानते पुरीवासी गत 26 तारीख ठारु महाप्रभु को दर्शन करछंती कोरोना कटकणा मध्य कड़ा एसओपी को मध्य पालन करके दर्शन करछंती। आज जदि आम कह आज 5 वार्डर बासिंदा मैंने दर्शन करेंगे और प्राथमिक पर्यायर जहाँ 8-12 मध्य 14 नंबर और 32 नंबर वार्डर बासिंदा मैंने दर्शन करछंती कड़ा कटकणा मध्य दर्शन करछंती। विभिन्न प्रकार एसओपी जारी कर जथा से श्रीमंदिर में पान खाईपारे ना गुटखा खाईपारे ना श्रीमंदिर में बस महाप्रसाद सेवन करें आपको सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए किसी भक्त आसुच्चेहतु चिन्मयी वार्ड वारी दर्शन व्यवस्था जारी रही है तो से भक्त भिड़ को संपूर्ण रूप नियंत्रित कर मार्केट छक लंबा ब्यारिकेड्रे भक्त श्रद्धा मैंने आसुच्चर ये जो श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय सम्मुखें जो कियोस्क आपको सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए जो कियोस्क 8 कियोस्क कर कियोस्क फटोग्राफी होने कियोस्क फटोग्राफी कर सारे से हाथ को सानिटाइज करा दि जाए तो निश्चित भाव में आम कहपर श्रृंखलित भाव में दर्शन चलती पूरी सहर बासी मैंने आज चतुर्थ दिन में महाप्रभु को दर्शन करते सब गुरुत्वपूर्ण सूचना होगी जहाँ गत काली पूरी जिलापाल बलवंत सिंह आमको सूचना देते पूरी सहर में जो भड़ाटिया मैंने अच्छा जो कर्मजीवी व्यक्ति मैंने अच्छा से किभली भाव दर्शन व्यवस्था करो तो से धार्य कर 30 तारीख और 31 तारीख शेष दुई दिन से दर्शन व्यवस्था करमको पौरपालिका तरफ विभिन्न रंगर दुईट रंगर दुईट चिरिकुटी प्रदान होने से चिरिकुटी देखला निश्चित भाव में श्रीमंदिर भितर को जिबे एवं चिन्मय समस्त भक्त श्रद्धालु माने श्रीमंदिर सिंहद्वार दे जाउछंती एवं उत्तर द्वार दे प्रस्थान करते कौटे कौटे समस्त भक्त जेहेतु दीर्घ 9 मास महाप्रभु को दर्शन रु वंचित अच्छा से सीधा सड़क वंचित रही महाप्रभु को देखी ना जहाँफल से मन में असंतोष व्यक्त करते आम कहींपर दीर्घ 9 मास श्रीमंदिर जितेबाड़ खोली भक्त श्रद्धा मान मन में अहेतुक उत्कंठा महाप्रभु को रत्न सिंहासन देखि सानिध्य प्राप्त होती कोटि जन्मर पुण्य फल लाभ करते निश्चित भाव आम कहींपर कौट ना कौटी भिन्न एक आध्यात्मिक परिवेश भिन्न एक परंपरा श्रीक्षेत्र देखा मिली कि सबकि चिन्मय कोरोना कटकणा मध्य हो तो निहाती भाव कहीं आम आपको सीधा सड़क ताजा दृश्य देखुच ये हूँ श्रीमंदिर परिवेश किभली भाव में अति श्रृंखलित भाव में भक्त श्रद्धा मैंने जाऊँ महाप्रभुंर दर्शन कर सानिध्य होती निहाती भाव में जो कोरोना कटकणापी जो एसओपी पालन कर एसओपी को संपूर्ण रूप पालन कर सब बड़ कथा हूँ श्रीमंदिर भितर को कौन भक्त श्रद्धा मैंने तुलसी भोग नहीं पारे ना श्रीमंदिर भितर दीप जापारे आलोक बर्तमान कटकणा भितर पूरीवासी प्रभु जगन्नाथ को दर्शन कर तबे यहा एक खुशी कथा किंतु ता भीतर मध्य अनेक प्रकार कटकणा लग जाइछि केते दूर कटकणा को पालन करुछंती आ पर ही जना पड़िबो कारण वर्तमान सुद्धा मध्य COVID-19 रो भय रहिछि राज्य रे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपनकर समस्त तथ्य एवं आलोचना पई। केन्द्र योजना को राज्य में हड़प करमें कौच एक प्रधानमंत्री आवास योजन वर्तमान राज्य सरकार विजु बाबूंर लोगो लगाऊँच जहाँ को विरोध करजेपी तेज एने आज बीजेपी कटक विक्षोभ प्रदर्शन कर सीधासख विक्षोभ स्थल को जवाठार जोड़ी होती आम सहित आम प्रतिनिधि विश्वजित जोड़ी होती विश्वजित आम सहित बर्तमान इम्रान आम प्रतिनिधि जोड़ी होती इम्रान बर्तमान दृश्य कौन रही
प्रधानमंत्री आवास योजना को विजु पक्का घर नारे नामित करछथि राज्य सरकार बोले अभिजोग करछि बीजेपी एवं जार प्रतिवाद करके आज नगर बीजेपी पक्षरु विकास भवन सम्मुख रे विक्षोभ प्रदर्शन कर दछि विस्तृत दृश्य वर्तमान देखेबी कैमरा पर्सन गौतम को अनुरोध करबी देखेबी दृश्य जो आज नगर बीजेपी पक्षरु एठी विक्षोभ प्रदर्शन वर्तमान करा जाउछि विकास भवन सम्मुख रे से माने सीधा सडक अभिजोग करछथि जे मोदी सरकार को जो प्रधानमंत्री आवास योजना रहिछि ताकु जालियाती करके विजु पक्का घर नारे योजना करछथि राज्य सरकार एवं जहाँ को विरोध करछि आज बीजेपी तो जहाँ को विरोध करके आज से माने विकास भवन सम्मुखे आज विक्षोभ प्रदर्शन करछथि आम सीधा सडक जीवा एठी अछथि नगर बीजेपी सभापति ललाटेन्दु बड़ू अछथि तांको थारु आम सीधा सडक प्रतिक्रिया नबा जेहेतु से आज जो प्रतिवाद पत्र करछथि एवं कोन होछि तांको विभिन्न दाबी कोन रहिछि जेहेतु ये प्रतिवाद करिवार दाबी कोन मुख्य दाबी रहिछि ताकु लेके आम सीधा सडक तांको सहित मते आलोचना करि परबा आम सहित अछथि एठी नगर बीजेपी सभापति ललाटेन्दु बड़ू अछथि आज्ञा आज को दाबी रहिछि मुख्य दाबी प्रतिवाद करिवार मुख्य उद्देश्य कोन रहिछि जहाँ जहाँ गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पठाई से सबको लेबल मारिकी अलग विजु ना बाबू ना नवीन बाबू ना लेबल मारी जो प्रचार करा को घोर विरोध करें से प्रतिवाद में आज भारतीय जनता पार्टी राजरास्ता को ओह्लि ये लगातार ये अन्याय विरुद्ध संग्राम करपर्यंत सत्य साधारण ओडिया को से मैंने न कही अभियोग कटक जिले में बहुत अभियोग विजु पक्का घर योजना बैनर मार्ग से पोस्टर मार्ग से पोस्टर में प्र आ जो छोटिया छोटिया कर लिखिं अनेक जगार प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना जो पार्क फार्क आई छोटिया छोटिया गांधी चषमा प्रधानमंत्री बोली लिखिं कि बड़ बड़ अक्षर लिखिं विजु कल्याण योजना होबूर आम घोर विरोधी कारण केन्द्र तो पैसा दे गरीब कल्याण योजन 130 प्रकार योजना ओडिशा कौन सारा भारत साधारण जनता पठाई कितु ये लेबल मारिकी जो निज ना बाहबा नाक बस निजर योजना सब ठप कालिया योजना ठप टका बांटू ना मिछ कथा कहते पिठा योजना ठप जहा जहाँ योजना ओडिशा सरकार कर सब मिछ योजना तेणु से निजक बचाक जाए केंद्र सरकार नरेन्द्र मोदी भाया सरकार को अपमानित करने को ये जो योजना कर विरुद्ध आम प्रतिबद कर गोटे प्रकार केन्द्रीय योजना को हाइजक कर राज्य सरकार बोले आप अभियोग करते आम सहित अच्छा बीजेपी संख्यालघु सभापति सिकंदर अली आज्ञा जो आप अभियोग बर्तमान कर दाबी कौन रहा है बर्तमान मुख्य दाबी सब कौन रहा है मुख्यमंत्री जदि अर्से दीर्घ पड़ी था प्र आ जो लिखी थे ओडिशा लोक जाणी था दुर्भाग्य एभड़ी हतभाग्य ओडिशावासी एभड़ी जड़े मुख्यमंत्री जी द्रुत राष्ट्र साजी ओडिशावासी ऊपर जो अत्याचार होंध भाव देखि चली दुर्भाग्य आज ओडिया जातिर आज मान्य प्रधानमंत्री देशर एवं विश्वर यशस्वी नेता जे 2022 मसीहा सुधा ओडिशार एवं भारत बर्षर समस्त गरीब खटिकिया लोक पक्का घर रहिबे बोली प्रधानमंत्री आवास योजना करिसेंती ए योजना को विजु जनता दल विजु बाबूंकर अधूरा स्वप्न कही विजु बाबूंकर फोटो लगे जो विजु पक्का घर योजना कर गाँ गहड़ी बांटुची यहाँ दृढ़ निंदा करुच्ची भारतीय जनता पार्टी एवं गाँ गहड़ी पंचायत जनसाधारण स्वतपत भाव बाहरी आसी विजु जनता दल सरकार द्वारा नियोजित से चेला चामुंडा मानक दृढ़ प्रतिवाद करिबा आरंभ कर सारे गत काली देखि दुई दिन हम केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो घन घन आक्रमण नवीन बाबूंर मिछ योजना को धर्मेन्द्र प्रधान आह्वान को संभा नपारी औषध विकट में ताटिया कामुड़ा अवस्था नवीन बाबू मति भ्रष्ट हो सारी ओडिया लोक ए भली भाव नवीन बाबूंर सरकार द्वारा मिछ योजना मिछ प्रतारणा को केबे सही पारिबे नहीं गाँ गहड़ी जनसचेतन कर भारतीय जनता पार्टी एवं कटक सहर में एसपी कलेक्टर म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर समस्त को आम चेतावनी दौचु बंद कर चाटुगारीगिरी गुलामगिरी बंद कर कलेक्टर साहब जनसाधारण काम कर प्रधानमंत्री आवास योजन जदि गोटे भी घरे जदि विजु पक्का घर पोस्टर मारी थे तेल ये आंदोलन अत्यंत भयंकर हम एवं राजरास्तार आवश्यक पड़े भारतीय जनता पार्टी लड़े कर बीजेपी पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन सीधा सड़क से विरोध करते विक्षोभ करते प्रधानमंत्री आवास योजना को हाइजक कर अभियोग करके बर्तमान प्रतिवाद सभा करदियों कौन स्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ना जदि विजु पक्का घर लग जाए से दृढ़ प्रतिवाद करेंगे और चेतावनी सीधा सड़क भाव में निश्चित भाव में इमरान बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त तथ्य और
आलोचना पई आपण सदासलक दृश्य देखुथिले कटकरो वर्तमान बीजेपी विकप करूची जे केन्द्रर योजना को वर्तमान राज्य रे हडप करा जाउची। आसे परवर्ती खबर को देवगढ़ जिला तिलेईपणी थाना अंतर्गत पालकुदर टिकिली पडा रे अभावन घटना। शीत पई रास्ता कड़ रे सेकी होतिबा बळे माडीगला कार कारटी भारसाम्य हराई चढ़ी जबारु तीन जन गुरुतर आहत होती। सेमानक मध्यरे जणे नाबालक थिबा सूचना रहिछि। समस्त आहत को गुरुतर अवस्था रे चिकित्सा पई बुल्ला मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। खोर्धा जंकियारु 350 ग्राम ब्राउन सुगार जबत। ब्राउन सुगार जबत कला क्राइमब्रांच एसटीएफ। जलेश्वरु आणी जंकियारे डील बेले डीलर गिरफ। गिरफ युवक खोर्धा ओरबर सिंह रो अक्षय बळियार सिंह अक्षय ठारु 80 ग्राम सुना जबत करिछि क्राइमब्रांच रो एसटीएफ। जबत ब्राउन सुगार रा आनुमानिक मूल्य 25 लाख टंका। एहाको मिसाई राज्य रे चलित वर्ष एसटीएफ एजाए 23 kg 593 g ब्राउन सुगार जबत करि सारिछि। वर्तमान सुधा 26 केस रुजु हेबा सह 50 जन ड्रग पेडलर को गिरफ करिछि एसटीएफ। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग। विजिलेंस जालरे छंदी होती आउ जणे सरकारी बाबू। गंजाम जिला चिकिटी कॉलेज रो डेमोनस्ट्रेटर कैलाश चंद्र महांती बासभवन समेत 6 स्थान में एककालीन विजिलेंस विभाग 6 स्वतंत्र टीम चढ़ाऊ कर। सूचना अनुसार ब्रह्मपुर श्री टावर स्पेक्ट्रम कॉलोनी और सौरभर अपार्टमेंट फॉर्चून रेसीडेंसी भुवनेश्वर बीजेपी नगर प्राणनाथ एनक्लेयर निज गाँ चिकिटागड़ कॉलेज घर ऑफिस चढ़ाऊ कर। खोर्धा वनखंड टांगी रेंज रे हाथी आतंक। दीर्घ 2 मास ऊर्ध्व हेब जंगली हाथी उपद्रव कर चली। हाथी दिन में जंगल रोथ्वा बेले संध्या होगले खाद्य अन्वेषण में जनबसती मुहां लोक मान धान फसल नष्ट कर। विलंबित राति में हाथीपल निराकारपुर डिया मौजा चाष जमि धान कले खाई दली चकड़ी नष्ट कर। हाथीपल उपद्रव में चाषी हताश होती। हाथी सह सह धान कले खाई अभियोग करती चाषी। हाथी घोड़ेबारे जंगल विभाग संपूर्ण विफल हो। वर्तमान कोरोना कटकणा को 2021 जनवरी 31 जाए वृद्धि करिछन्ते केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्रालय। महामारी कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्ष घोषणा करा जाइछि। केन्द्र सरकार नुआ कटकणा लागू करिनथिले मध्य ब्रिटेन फेरंतांक प्रति सतर्क रहिबाकु कहिछन्ते। आगकु विपद थिपारु सरकार समस्तंकु एथिप्रति अधिक जत्नवान हेबाकु परामर्श देइछन्ते। पूर्वरु जारी होइथिबा गाइडलाइन गुडिक कडाकडी पालन करा। कंटेनमेंट जोन रे लॉकडाउन पूर्व भली जारी रहिब। राज्य सरकार माने केन्द्ररो बिना अनुमति रे लॉकडाउन किंबा शटडाउन करिपरिबे नाही। मालकानगिरी जिला उपकारागारे कैदी दानु गोलेरी मृत्यु घटना। जेल कर्तृपक्ष विरुद्ध हत्या अभियोग आणिले मृत कैदी पर लोके। दानु को निर्मम भाव हत्या करके अभियोग कर। आत्महत्या नुहे षड्यंत्र कर हत्या करके अभियोग कर। दानु मर शरीर को सत्कार करने पूर्व उत्तर प्रदेश नुआ फ्रेट कॉरिडोर रा उद्घाटन करा जाइछि। तबे भिसी जरिया रे एको उद्घाटन करछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 351 किलोमीटर नुआ फ्रेट कॉरिडोर निर्माण करा जाइछि। भावपुर रु खुर्जा जाय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होइछि। तबे एहा द्वारा व्यवसाय चमकिबो बजार रे पहुचिबो कृषि उत्पाद। कॉरिडोर रे द्रुत गति रे जाय परिबो मालगाडी। अपन सीधा सड़क दृश्य देखुछंती जे उत्तर प्रदेश नुआ फ्रेट कॉरिडोर रो उद्घाटन होउछि। भिसी माध्यम रे उद्घाटन करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जे कॉरिडोर रो 351 किलोमीटर विशिष्ट नुआ फ्रेट कॉरिडोर निर्माण करा जाइछि। जहा द्वारा व्यवसाय चमकिबो बाजार रे पहुचिबो कृषि उत्पादन। भावपुर रु खुर्जा जाय डेडिकेटेड होइछि एही फ्रेट कॉरिडोर। तबे कॉरिडोर रे द्रुत गति रे जाय परिबो मालवाही गाडी।
सीधासल दृश्य देखुंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विसी जरिया उद्घाटन करताका देखा उद्घाटन करेड करिडर को माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर प्रेरक संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय रेल मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगी गण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है और ये सुनकर किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती है, नाड़ियां होती है। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर आईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन 5 पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं।
कहीं कोई फसल उगती है उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है, एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है, उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं, मालगाड़ी की गति धीमी होती है, ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है, इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादकों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाई और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। शुरू में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ रहा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है, इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जेएनपीटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। भाई और बहनों, माल गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी, दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा, हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा, देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों,
ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। विशेष तौर पर औद्योगिक रूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कॉरिडोर नई ऊर्जा देने वाला है। इसका करीब करीब 60% हिस्सा यूपी में है, इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इससे लाभ होगा। देश और विदेश के उद्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रति आकर्षण बीते सालों में पैदा हुआ है, वो और अधिक बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ किसान रेल को भी होने वाला है। कल ही देश में 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपज को देश भर के बड़े बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब नए फ्रेट कॉरिडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी की बढ़ाई जा रही है। यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। इसके अलावा राज्य में 8 नए गुड शेड भी बनाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर में 2 बड़े पेरिशेबल कार्गो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं। इनमें बहुत ही कम दरों पर किसान फल सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपज स्टोर कर सकते हैं। साथियों, जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को इतना फायदा हो रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई। ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। केंद्र को राज्यों के साथ जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी, जिस अर्जेंसी से संवाद होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया। स्थिति ये थी कि साल 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछा गया, 1 किलोमीटर भी नहीं। जो इसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया। साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया, अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया।